नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दियों में डैंड्रफ होना एक बहुत ही आम समस्या है। मुझे लगता है सभी को थोड़ी बहुत डैंड्रफ की परेशानी सर्दी के मौसम में हो ही जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है और एक मेरे पेशेंट, मैं उसको थैंकफुल होना चाहूँगी ज़रूर कि मेरी उस पेशेंट के रिकमेंडेशन पे मैंने अपने और सारे पेशेंट्स को ये DIY ट्राई करने के लिए बोला और उनको इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, एक मेरी पेशेंट, पहले मैं उनके केस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, होपफुली वो भी ये वीडियो देख रही होंगी। उनको सीवियर डैंड्रफ का इशू था फॉर लास्ट 10 ईयर्स और मैंने उनको बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की, इवन उन्होंने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी ट्राई की थी, बट उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। थोड़े दिन तक वो ठीक रहता था, वापस से हो जा रहा था, इचिंग होती थी और जब वो इच करके फ्लेक्स निकालती थी तो पूरा प्लेस आप समझ लें वाइट हो जाता था, इतने थिक फ्लेक्स आते थे उन्हें। फिर इवन मैंने एट द वर्स्ट सिचुएशन मैंने उनको सोरिएसिस तक की मेडिसिन देने के लिए रिकमेंड किया। देन उनकी कोई फ्रेंड थे या कोई उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने उनको एक DIY ट्राई करने को बोला जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और उसको करने के बाद दोस्तों, विद इन अ मंथ जो चीज़ उनको 10 साल से परेशान कर रही थी वो विद इन अ मंथ ठीक हो गई। दोस्तों, इस DIY में एक तो ये हाईली सेफ है, आप अपने बच्चों से लेकर बुजुर्ग सबके लिए यूज़ कर सकते हैं और आप लोग सरप्राइज होंगे कि ऐसी भी कोई चीज़ आपके डैंड्रफ में हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू को लें और उसमें आपको सिंपल 1 चम्मच चीनी यानी कि शुगर डालनी है, यानी कि शक्कर डालनी है। जी हाँ दोस्तों, ये शुगर आपको सिंपल उस शैम्पू में मिक्स करें और उस शैम्पू को अपने बाल में लगा के हल्के हाथों से मसाज करके बालों को वॉश कर लें और हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं ऐसा करते जाएं। धीरे 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 आप देखेंगे कि जो आपकी डैंड्रफ बनने की टेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई है और कुछ ही दिनों से लेकर महीने तक में आपकी पूरी डैंड्रफ साफ हो जाएगी। दोस्तों, जो शुगर होती है वो आपके स्कैल्प पे एक्सफोलिएटिंग वर्क करती है, मतलब आपकी स्कैल्प को साफ करने का काम करती है। आप सभी जानते हैं डैंड्रफ बनने का रीज़न क्या होता है, आपकी जो स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होकर वो पपड़ी जैसी छोड़ने लगती है, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सूख के पपड़ी जैसे फॉर्म में दिखती है जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। यही डैंड्रफ जो शुगर है वो एक्सफोलिएट करके हमें उन पपड़ियों को साफ करके देती है जिससे हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा साफ और क्लीन रहती है। और सिंपल इसको आप रेगुलरली, जब तक स्पेशली अगर ठंड है तो आप जब भी शैम्पू कर रहे हैं आप बेशक यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, शुगर ऐसी चीज़ है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होना है, आप बच्चों को लगाएं, आप बड़ों को लगाएं, अपने खुद को लगाएं, आपको उससे 1% का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होना है। सो दिस इज़ अ हाईली सेफ थिंग जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे, आप उसको डाल के लगाएं और आप खुद देखेंगे कि आपके जो डैंड्रफ बनने की टेंडेंसी है, जो फ्लेक्स बनने की टेंडेंसी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, आशा, अगर आपने ये ट्राई किया है और अगर आपको ये वर्क की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वर्कफुल रही, आपको हेल्पफुल रही। और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को और लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि बिना ढेर सारी मेडिसिन खाए, क्योंकि यूजुअली डैंड्रफ के लिए इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, इतने कॉस्मेटिक्स बनाई जाती हैं, इतनी ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको यूज़ करके शायद आपके बालों की क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। तो बिना किसी केमिकली प्रोडक्ट को यूज़ किए अगर आप घर की ही चीज़ से अपने बालों को ठीक रख सकते हैं, अपने बालों को सही रख सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये चीज़ बेनिफिट दे रही है तो अपने और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को रिकमेंड करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।